हेलो एवरीवन, सो आज फाइनली मैं आपके लिए गोरा होने की क्रीम, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं स्किन टोन लाइट कैसे हो, स्किन का कलर फेयर कैसे हो, सो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक क्रीम जिसको अगर आप मेरी बताई टेक्निक से यूज़ करते हैं तो आपका कलर निखर उठेगा और नेचुरली निखरेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस आपको इस तरीके से यूज़ करनी है तब आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे इसके आगे चल के, क्योंकि काफ़ी टाइम्स होता है कि हम केमिकल बेस्ड क्रीम यूज़ करते हैं और फिर हमको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। सो जो एक कोजी केयर स्किन लाइटनिंग नॉन स्टिकी क्रीम है, लोशन है एक टाइप का, तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है, देखिए हमको इसमें मिलता है 3% कोजिक एसिड, 1% अल्फ़ा आर्बुटिन, 1% हमको इसमें मिलता है ग्लूटाथियोन, 2% नियासिनजामाइड एंड 2% विटामिन सी। ठीक है, सो ये जो क्रीम है इसको हम यूज़ करते हैं मिलाजमा, पिगमेंटेशन, डार्क, जो भी आपको स्पॉट है, एज स्पॉट है, अनइवन आपका स्किन टोन है, तो उसको इवन करने के लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। 15 ग्राम हमको इसमें क्वांटिटी मिलती है एंड देखिए बहुत ज़्यादा इसकी रेंज भी नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। सो इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये 170 रुपीज़ की ही हमारे यहाँ पर मिलती है और आपको अलग अलग साइट्स पे देखने को मिलेगी, तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। सो ये क्रीम आपको यूज़ कैसे करनी है, सो देखिए ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि हमारे स्किन को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लाइट करती है। सो आपको ये वाली क्रीम लेनी है एंड इसको हमेशा आपको नाइट में ही यूज़ करना है। नाइट में यूज़ करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, आपके हैंड अच्छे से वॉश एंड क्लीन होने चाहिए और जो भी आपको प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप इसको बिल्कुल लाइट हैंड से अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद में आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपको, वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगर आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और आपको अगर फील होता है कोई रेडनेस, ईचिंग, तो फिर आप इसको स्किप कर देंगे, बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और डॉक्टर की सलाह से आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इस क्रीम के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके स्किन टोन को लाइट भी करेगा और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के करेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप केमिकल वाली क्रीम यूज़ करते हैं कलर फेयर बनाने के लिए, तो ऐसी क्रीम्स जो हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, क्रिटेटिनोइन जैसी क्रीम्स हम यूज़ करते हैं तो हमारा फेस ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जबकि ये वाली हम थोड़ा सा सेफली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सभी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो एकदम नेचुरल है, जो कि हमारी स्किन को कोई भी हार्म नहीं करते हैं। एंड मॉर्निंग में आपको फेस वॉश करके जो भी आपके स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र है एंड सनस्क्रीन है वो लगा लेनी है।